will turn into joy. It was indeed a great joy for us to pray for you today. Dear brothers and sisters, it's such a joy to see you this day. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें बड़ी खुशी है आज के दिन आपको देखकर. You may have so many prayer requests to keep before the feet of the Lord. और आपके पास कई प्रार्थना की विनती होंगी जो आप प्रभु के चरणों के पास रखना चाहते होंगे. But God knows every thought in your mind. लेकिन परमेश्वर आपके विचारों के हर एक सोच को जानता है. Man may look at our face. और मनुष्य जो है वो बाहर हमारे चेहरे को देखता है. But God knows our heart. लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है. Today he is ready to give all the things that you need today. और आज वो परमेश्वर तैयार है आपको उन सारी बातों को देने के लिए जिनकी आपको आज जरूरत है. In Isaiah 61:2 we see that the Lord will comfort us when we mourn. यशया 66:2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें दिलासा देगा. My dear brothers, today every one of your heart's desires are going to be fulfilled. और मेरे प्यारे मित्रों, आज के दिन आप में से हर एक के हृदय की इच्छा परमेश्वर पूरा करेगा. The Lord who gives us everything to enjoy is going to bless us today. और परमेश्वर जो हमें सारी बातें आनंद लेने के लिए देता है वही परमेश्वर आज हमें आशीष भी देगा. The Lord's heart is for us to be blessed in every way. और परमेश्वर के दिल की चाहत है हमारे लिए कि हम हर तरीके से आशीष पाएं. You may say this blessings are yet to come for me. और आप कह सकते हैं कि अभी तक ये आशीषें मेरे पास नहीं आई हैं. Why is this being delayed all these days? क्यों इतने दिन ये आशीषें रुकी रही? The Lord who calls everything that is not there as if they are there. और वो परमेश्वर जो सारी बातों को जो नहीं है इस प्रकार से बुलाता है मानो वो है. Is going to give us everything to enjoy. वही परमेश्वर हमें सब कुछ देगा ताकि हम उसका आनंद लें. His heart is a loving heart to bless us. और उसका हृदय प्रेम से भरा हृदय है हमें आशीष देने के लिए. He wants us to enjoy everything in this world in a spiritual way as well as in a worldly way. और वो चाहता है कि हम उसकी सारी आशीषों को अपने आत्मिक रूप में और शारीरिक रूप में उसका आनंद लें. Today shall we receive this blessing? तो आइए आज हम इन आशीषों को पाएं. क्या आप बीमार हैं और चंगाई के लिए इंतजार में हैं? Nobody could bring healing to another man. कोई भी दूसरा व्यक्ति अन्य व्यक्ति के लिए चंगाई नहीं ला सकता. That's why God himself came in the form of a man. इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धर करके इस पृथ्वी पर आए. His name was Jesus. उनका नाम था यीशु. आइए सुनते हैं भाई डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा इसी संदर्भ में दिए गए संदेश को. Tonight let's meditate God's promise found in Jeremiah 30 and verse 17. आइए आज हम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के बारे में मनन करें. यिर्मयाह 30 और उसका वचन 17. God says, I will restore you to health. यहोवा कहता है मैं तुम्हें फिर से चंगा करूंगा. And I will heal your wound. और मैं तुम्हारे घाव पर पट्टी बांधूंगा. I will heal your wounds. मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा. My child, I will heal your wounds tonight. मेरे बच्चे आज की रात में तेरे घाव को चंगा करूंगा. And the wounds come because of our sicknesses. और ये जो घाव हैं हमारे रोगों के कारण से आते हैं. In Isaiah 30 and verse 26. यशायाह 30 और वचन 26 में. The Bible says the Lord shall bind up the bruise and heal the stroke of their wounds. परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यहोवा जो इनके घावों को पट्टी बांधेगा और उन्हें चंगाई देगा. He heals the wounds of the afflicted.
वह जो है घायल के घावों को पट्टी बांधता है। When Jesus was in this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, Luke 4 and verse 40, लुका 4 वचन 40 में, and Matthew 4 and verse 15 and 16, और मत्ती 4 वचन 15 और 16 में, Jesus laid his hands on everyone who was sick. प्रभु यीशु मसीह ने हर एक जो रोगी थे उनके ऊपर अपने हाथ को रखा और चंगा healed their wounds in their bodies. उनके शरीरों के घावों को उसने चंगा किया। In Matthew 9, 2 and 6, मत्ती 9, 2 और 6 में, they carried a man with paralysis. उन्हें एक झोले के मारे को उसके पास ला करके रखा। He was totally incapacitated. वो पूरी तरह से अक्षम था। And they brought him to Jesus. वे उसे यीशु के पास लेकर के आए। Jesus looked at him. यीशु ने उसे देखा। And said, "Son, your sins are forgiven." और कहा, बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए। And then he said, और उसके बाद उसने कहा, "Take up your bed." अपना खाट उठा। And go home. और घर चला जा। Go home. घर चला जा। Because of your sickness, you have been thrown outside. तेरे रोग के कारण से तुझे बाहर फेंक दिया गया था। You could not go home. तो घर नहीं जा पाता था। Maybe he was thrown from hospital to hospital. हो सकता है उसे अस्पताल के बाद दूसरे अस्पताल भेज दिया जाता था। Maybe his family members said, "We don't need you. You are useless. Get out of the home." हो सकता है उसके परिवार जनों ने कहा, तुम बेकार हो, हमें तुम्हारे आवश्यकता नहीं परिवार में। Jesus said, लेकिन यीशु कहता है, "I am forgiving your sins and healing it." मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से क्षमा करके तुम्हें चंगाई देता हूँ। Every sin which has brought this sickness, I am removing. हर एक पाप जिसने ये रोग लाया है मैं उसे दूर कर रहा हूँ। And I am healing your sickness also. और मैं तुम्हारे रोगों को भी चंगा कर रहा हूँ। Your paralysis is healed. तुम्हारा लोकवापन जाता रहा। Get up, take up your bed. तो अपने खाट को उठा। And go home. और घर जा। Go and enjoy your family life. और अपने पारिवारिक जीवन का आनंद ले। A man got up. वो व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। Took his bed. अपने खाट उठाया। And he went home. और वो घर चला गया। God built his family life again. परमेश्वर ने फिर से उसके पारिवारिक जीवन को ठीक कर दिया। That's what Jesus will do for you tonight. और आज की रात परमेश्वर यही आपके लिए भी करेगा। Let not your heart be troubled. आपका हृदय जो है व्याकुल ना हो। Let's listen to a wonderful testimony that happened right here. आइए हम एक अद्भुत गवाही को सुने जो बिल्कुल यहीं पर घटी। Yes, brother, come. Praise the Lord. What's your name? मेरा नाम विंसेंट है। मैं विजयवाड़ा से आया हुआ हूँ। कल मैं और मेरी पत्नी दोनों एक साथ मिलकर के इस सभा में आए थे। पहले लगभग 10 साल से मेरे दाहिने पांव में नस की बहुत ही ज्यादा परेशानी हुआ करती थी, जो कि स्कूटर की भयंकर दुर्घटना के बाद शुरू हुई। मैंने बहुत से डॉक्टरों से इसका इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस कारण मैं जीवन में बड़ा निराश हो गया था। कल मैं बड़े ही विश्वास के साथ इस सभा में आया था कि परमेश्वर मुझे चंगा कर देंगे। ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि कल परमेश्वर ने मेरी फरियाद सुना। और जब प्रार्थना हो रही थी, तब भाई पॉल दिनाकरन ने सबसे पहले मेरा नाम लेकर कहा, आपका नाम विंसेंट है और आपको नसों की बड़ी समस्या है, ईश्वर आपको स्वस्थ कर रहा है। और उनने मेरा नाम लेकर ऐसा कहा। उसी समय मैंने परमेश्वर के स्पर्श को अपने दाहिने पांव के ऊपर में महसूस किया। उसके बाद मेरे पांव में नई शक्ति आ गई और अब मुझे कोई भी समस्या नहीं है। उसमें मैं पूरी तरह से चंगा हो गया हूँ। परमेश्वर के इस महान चमत्कार के लिए मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, व्हाट अ जॉय। दयानंद की बात है, परमेश्वर की स्तुति हो। लेट्स सी हाउ गॉड कॉल्ड हिज नेम यस्टरडे। देखें परमेश्वर ने किस तरह कल की सभा में भाई विंसेंट का नाम लिया था। राइट इन दिस मीटिंग, इसी सभा में। Vincent, Vincent, the Lord touched your nerves. Nervous problem is being healed in your body. परमेश्वर ने तुम्हारी नसों को छुआ है, तुम्हारी नस समस्या जो थी वो ठीक हो गई है। I would have never known him or his problem. ना तो मैं उन्हें ना उनकी समस्या को जानता था। But Jesus knew. लेकिन यीशु जानते थे। Jesus knew his heartache. यीशु उनके हृदय की तकलीफ को जानते थे। And he came there, right where he was seated, and called his name. And healed him. और यीशु बिल्कुल वहीं आ गए जो ये बैठे थे और उनके नाम पुकारा, उन्हें चंगाई दी। This happened right yesterday night. और ये बस कल ही की रात में हुआ था। Will he not do that for you? क्या वो आपके लिए यही ना करेगा? Father, bless your son. पिताजी अपने बेटे को आशीष दे। He is a man of integrity, Lord. वो तो बड़े ही ईमानदारी वाले व्यक्ति हैं प्रभु जी। I see that he is no man's debtor. और मैं देखता हूँ कि वो किसी व्यक्ति के कर्जदार नहीं है। And he conducts his life meticulously. और अपने जीवन को बहुत ही सटीक तरीके से वो चलाते हैं। Now you will raise him and his family to great heights. इसलिए आप
उनके परिवार और उनको अब महान ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। And he will be a blessing to so many people in authority. और वो बहुत से लोग जो अधिकार में उनके लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। And this home shall be full of angels. और इनका घर जो है वो दूतों से भरा हुआ होगा। Because you love them, Lord. क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं प्रभु जी। Love their integrity. आप उनके ईमानदारी का आदर करते हैं। You will always have your face shining upon them. और आप हमेशा अपने मुख को इनके ऊपर में चमकाते रहेंगे। They will have the favor of leaders. और वे अगुओं और अधिकारियों के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। Will be a blessing to them. और उनके लिए एक आशीष का कारण होंगे। Thank you for this plan for your future, Lord. उनके भविष्य के लिए आपकी इस योजना के लिए धन्यवाद प्रभु जी। Thank you for healing him. धन्यवाद उन्हें चंगाई देने के। God bless you, brother. आइए आपको परमेश्वर आशीष दे। And finally, और अंत में, in Psalm 147 and verse 3, भजन संहिता 147 वचन 3 में, the Bible says he heals the broken hearted. बाइबल कहती है कि वो टूटे हृदयों को जो है चंगा करता है। How are we broken hearted? हमारे हृदय कैसे टूटता है? Jesus said a story in Luke 10:30. लुका 10:30 में यीशु ने एक कहानी को बताया। A man who was traveling was attacked by robbers and thieves. एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा था उसे डाकुओं ने घेर करके घायल कर दिया। Oh, we see robbers and thieves everywhere around us. आज हम अपने चारों ओर बस चोरों को और ऐसे ही डकैतों को देखते हैं। For anything to be done, we have to face these robbers and thieves. और चाहे कुछ भी काम कराना हो उसके लिए हमें इन चोरों और डाकुओं का सामना करना पड़ता है। Jesus said they came and stripped that man of his clothes, beat him up and stole his possession. यीशु ने कहा कि उन लोगों ने आकर के उसको मारा, उसको जख्मी किया, उसके घावों को उसके साथ छोड़ करके उसके हर एक चीजों को लेकर के चले गए। At least they could have taken his possessions and gone, but they stripped him naked and wounded him. अगर उसका माल सबाब भी लेकर के जाते कोई बात नहीं, लेकिन उनने उसके कपड़े तक लेकर उसे नंगा छोड़ दिया वहाँ पर। We are wounded because of these thieves and robbers. इन चोरों डाकुओं के कारण से हम घायल हो जाते हैं। And in Psalm 69 and verse 20. और भजन संहिता 69 वचन 20 में हम देखते हैं। We are wounded because we don't have comforters in this world. हमारे जीवन में चोट आती है क्योंकि संसार में हमें कोई सांत्वना देने वाला नहीं होता। The psalmist says, I looked for comforters, but there was no comforter to comfort me. भजनकार कहता है मैंने ढाढ़स देने वाले को ढूंढा लेकिन कोई नहीं था जो मुझे ढाढ़स दे। In Jeremiah 30 and verse 17. यिर्मयाह 30 और वचन 17 में God says you have been called an outcast. परमेश्वर कहता है कि तू तो एक त्यागी हुई कही गई है। Yes, many times we are called as an outcast. हाँ, कई बार हमें एक त्यागे हुए के रूप में कहा जाता है। Cast away. जो भुला दिए गए हैं। From the family. परिवार से निकाले गए। From the job. नौकरी से निकाले हुए। From the society. समाज से निकाले हुए। From our good life. हमारे अच्छे जीवन से निकाले हुए। Yes. हाँ। It breaks our heart. वो हमारे हृदय को तोड़ देता है। And thirdly, in Isaiah 54 and verse 6. और तीसरी बात यशायाह 45 वचन 6 में God says परमेश्वर कहता है You are like a woman forsaken. तुम एक ऐसी स्त्री के समान हो जिसे छोड़ दिया गया हो। And you are grieved in your spirit. और तुम अपने आत्मा में बड़ी दुखित हो। As a woman you have been thrown away. एक त्यागी हुई स्त्री के तरफ छोड़ दिया गया हो तुम। And you are grieved in your spirit. और तुम्हारी आत्मा जो है वो पीड़ित है। Like a youthful wife You have been refused. और मानो एक जवानी की स्त्री की तरह तुम्हें ठुकरा दिया गया हो। Youthful wife. एक जवानी की विधवा। Refused. जिसे त्याग दिया गया। Cast away. जिसे निकाल दिया गया। Maybe you are in that situation. हो सकता है आप ऐसी स्थिति में। But Jesus came for you. लेकिन यीशु आपके लिए आया। Jesus came for you. यीशु आपके लिए आया। I will build your home. मैं तेरे घर को बनाऊंगा। People may have cast you away. चाहे लोगों ने तुम्हें निकाल दिया हो। But I want you. लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। I want you. मैं तुम्हें चाहता हूँ। I'll build your home. मैं तुम्हारे घर को बनाऊंगा। I'll heal your broken heart. तुम्हारे टूटे हृदय को चंगा करूंगा। That's the Jesus who has come in search of you. और इसलिए यीशु आपकी खोज में आया। And that's why he went to the cross. और इसलिए वो क्रूस पर चढ़ गया। And he cried. और वो पुकार उठा। When darkness surrounded him. जब अंधकार उसे घेरे हुए था। He said, my God, why have you forsaken me? उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, क्यों तूने मुझे छोड़ दिया? And the Bible says. और बाइबल कहती है। He builds the lonely into family. वह एकाकी लोगों को परिवार में बनाता है। Build a family life for you. वो आपके लिए एक पारिवारिक जीवन का निर्माण करेगा। As a father, he'll build your family life. एक पिता की तरह वो आपके परिवार को एक जीवन देगा। He will come and comfort you.
आकर के वो आपको ढाढ़स देगा. And he will bring comfort through love in this world. और अपने प्रेम के द्वारा इस संसार में वह जो है शांति लेकर आएगा. He'll make people to love you. ऐसा करेगा लोग आपसे प्रेम करें. He'll build your home. आपके परिवार को स्थापित He'll करेगा. Give you a job. आपको एक नौकरी देगा. He will establish your future. आपके भविष्य को वो दृढ़ करेगा. Give you the finances. आपको आर्थिक समृद्धि देगा. And give you a brand new life. और आपको एक बिल्कुल नया जीवन देगा. As we pray to him today. आज जब हम उसके साथ प्रार्थना करेंगे. The greatest thing is. सबसे बड़ी बात He will make Satan who is oppressing you fall as light. वो ऐसा करेगा कि शैतान जो आपको सता रहा है वो उसको बिजली की नाई नीचे गिरा देगा. Revelation 12:10-11. अगर आप प्रकाशित वाक्य 12 उसका 10 और 11. Bible says they overcame him through the blood of the lamb and the word of their testimony. बाइबल कहती है कि मेमने के लहू और अपने उस गवाही के वचन के द्वारा उन उस पर जय पाया. You can overcome the devil in your life. आप अपने जीवन में शैतान पर जय पा सकते हैं. One side being washed with the blood of Jesus Christ. एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा धोए जाकर के. Cleansed as God's child. परमेश्वर के संतान के रूप में धुल करके. On the other side. दूसरी ओर. Go and share the testimonies of the miracles that you have received from Jesus with everybody. जाकर के हर एक से जो आपने गवाहियां प्रभु यीशु मसीह से पाई है उसकी गवाही को बांटते जाएं. When the husband is heartbroken and is about to be broken to pieces in his life. जब पति जो है उसका हृदय टूट जाता है और वो टुकड़े-टुकड़े होकर के बिखरने ही वाला हो. Wife, share the testimonies of the miracles you have received in your family to your husband. आप जो पत्नियां हैं उन चमत्कारों को उन आशीषों को उनके साथ बांटें जो आपने अपने जीवन में पाई हैं. And tell your husband, Jesus helped us before, he will help us now. और अपने पति से कहे यीशु ने पहले भी हमारी सहायता करी अब भी वो हमारी सहायता करेगा. And the life of Christ will fill him. और यीशु का जीवन उन्हें भर जाएगा. And Satan who tries to divide the home shall fall as lightning. और शैतान जो घर को बांटने की कोशिश करता है वो मानो एक बिजली की तरह तड़क कर गिरेगा. You read that in Luke chapter 10 and verse 18. लुका 10 वचन 18 में आप से पढ़ते हैं. Every time you share the testimony of what Jesus did for you, the miracles he did for you with others, Satan falls as lightning. जब भी आप औरों के जीवन में इस बात को बांटते हैं और गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है, शैतान जो है मानो बिजली की तरह नीचे गिरता है. And we are delivered. और हम जो है छुटकारे को पाते हैं. Our wounds are healed. हमारे घाव चंगे होते हैं. We're able to live in this world. और हम इस संसार में जी सकते हैं. God makes a family life for us. परमेश्वर हमारे लिए एक पारिवारिक जीवन का निर्माण करता है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Shall we all stand to our feet? आइए हम सब अपने पांव पर खड़े हो जाएं. Right now. इसी समय. I literally feel the embracing love of Jesus coming upon everybody. सचमुच मैं इस बात को महसूस कर सकता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हम पर आ रहा है. Literally he is embracing you. सचमुच वो हमें अपने सीने से लगाए रखा है. He is kissing you and blessing you. वो आपको चुंबन दे करके आपको आशीष दे रहा है. Would you just thank him now? क्या आप इस समय उसका बस धन्यवाद करेंगे? Just tell him thank you Jesus for loving me. उससे कहें प्रभु यीशु आपका धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए. All you have to do is only to thank him now. अब बस आपको इतना ही करना है उसका धन्यवाद करें. Just open your heart. बस अपना हृदय खोले. Say thank you, Jesus. और कहें धन्यवाद यीशु. Thank you for embracing me. धन्यवाद मुझे आलिंगन में लेने के लिए. Thank you for kissing me. धन्यवाद मुझे चुंबन देने के लिए. Thank you for blessing me. धन्यवाद मुझे आशीष देने के लिए. Thank you for being wounded for me to be healed. धन्यवाद मेरे लिए घायल होने के लिए कि मैं चंगाई को पाऊं. Now you are removing my wounds, Lord. प्रभु जी अब आप मेरे घावों को दूर कर रहे हैं. Tell him thank you, Lord. उससे कहे धन्यवाद प्रभु जी. My wounds are leaving now. अब मेरे घाव मुझे छोड़कर जा रहे हैं. You are healing my wound. आप मेरे घावों को चंगा कर रहे हैं. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. I love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु. You are coming into my heart. आप मेरे हृदय में आ रहे हैं. You are healing my wound. आप मेरे घावों को चंगा कर रहे हैं. You're giving me a new life. मुझे एक नया जीवन दे रहे हैं. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. I believe. मैं विश्वास करती हूँ. Everybody say, I believe you, Jesus. अरे कहे प्रभु यीशु मैं आप पर विश्वास करता हूँ. Come into me. मेरे अंदर में आ जाए. Now the Lord Holy Spirit is filling you. इस समय पवित्र आत्मा आपको भर रहा है. As God's Spirit comes into you, जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आ रही है, He will empower you now. अभी वो आपको समर्थ करेगा. You will have God's Spirit working in you and through you. और आपके अंदर में परमेश्वर की आत्मा और आपके माध्यम से भी कार्य करेगी. You'll be more than a conqueror from today. आज से आप जयवंत से भी बढ़कर के होंगे.
How many of you want God's Holy Spirit to come into you? आप से कितने चाहते हैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर में प्रवेश करे? Open your heart. हृदय खोले. Say, Lord, fill me with yourself. कहे प्रभु जी आप अपने आप से मुझे भर दे. Fill me with thy spirit, Lord. प्रभु जी आप अपनी आत्मा से मुझे भर दे. My spirit is full of wounds. मेरी आत्मा तो चोटिल और घायल है. Fill me with thy Holy Spirit. मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे. Everybody say. अरे कोई कहे. Lord, fill me. प्रभु जी मुझे भर दे. Lord, fill me. भर दे. Fill me now. अभी मुझे भर दे. Come into me and fill me. मेरे अंदर में आकर के मुझे भर दे. Fill me with thy Holy Spirit. अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दे. Lord is embracing you and kissing you and filling you with his own spirit. पवित्र आत्मा से आपको भरने से पहले परमेश्वर स्वयं आपको अपने आलिंगन में लेकर के आपको चुम रहा है. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. God is hearing your prayer. परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है. The Holy Spirit is hearing your prayer. पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है. And he is filling you with his Holy Spirit. और आपको अपनी पवित्र आत्मा से भर रहा है. Lord Jesus. यीशु. Enter into everybody. हरेक के अंदर में आप प्रवेश करें. Enter into their hearts now. अभी उनके हृदयों में प्रवेश करें. Fill them with your spirit, Lord. आप उन्हें अपनी आत्मा से भर दें. The spirit of Jesus. यीशु की आत्मा से भर दें. And the spirit of God. और परमेश्वर की आत्मा से भर दें. Fill them now. अभी उन्हें भर दे. Fill them now. अभी उन्हें भर दे. Fill them now. अभी उन्हें भर दे. In a supernatural way. अलौकिक तरीके से प्रभु जी. Lord, fill everybody. प्रभु जी हरेक किसी को भर दे. In a supernatural way. अलौकिक तरीके से आप उन्हें भर दे. It is going to be no more they. अब ये नहीं कि ये हो. But Christ living in them. लेकिन अब उनके अंदर में मसीह जो जिए है. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Lord, together in one accord. प्रभु जी एक मन होकर के इस समय. We pray that you will wipe away all the tears of all your children. हम प्रार्थना करते हैं कि अपने सारी संतानों के हर एक आंसुओं को आप पोंछ डालेंगे. Let all their sicknesses disappear in Jesus' name. उनके सारे रोग यीशु के नाम में गायब हो जाएं. All of them will have 100% joy. उनमें से हर एक 100 गुना आनंद को पाएं. Let them have the family prayer from today. आज से वह पारिवारिक प्रार्थनाएं करने लगे. All the family members becoming God's children. हर एक परिवार का सदस्य परमेश्वर के संतान बन जाए. And their home shall be a lighthouse to other people. और उनका घर औरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाए. Thank you, Lord, for doing it. धन्यवाद प्रभु जी ये करने के लिए. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी. No more sorrow. अब कोई भी दुख ना हो. Father, no more sorrow. पिताजी अब कोई भी दुख ना हो. Let them walk in righteousness as God's children. परमेश्वर के संतान के रूप में वो धार्मिकता में चलने पाएं. And let them have every blessing. और वो हर एक आशीष को पाएं. As they walk rightly with holiness in their lives and in their family. जब वो अपने परिवार में अपने जीवन में पूरी पवित्रता के साथ चलते हैं प्रभु जी. Be the head of their family, Lord. प्रभु जी आप उनके घर का मुखिया बने. Be the head of their life. आप उनके जीवन का मुखिया बने. Give them the grace to reflect Jesus to this broken world. और उन्हें अनुग्रह दे कि यीशु मसीह को इस टूटे हुए संसार में वो प्रदर्शित करने पाए. We dedicate every soul of every person that is here and is watching under the keeping of the Lord Jesus Christ. And the Holy Spirit. हर एक जो कि टीवी पर देख रहे हैं उनके आत्मा और प्राणों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपते हैं. In Jesus name. यीशु के नाम में. In Jesus name. यीशु के नाम में. You say amen. आप कहिए आमीन. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. God is with us. परमेश्वर हमारे साथ है. हमारा ये कार्यक्रम प्रार्थना का समय हर सुबह अनेकों के जीवन में परमेश्वर से चमत्कार आशीष व अनुग्रह को लेकर आता है. अगर आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखें या हमारे प्रार्थना भवनों में संपर्क करें. और अगर आप कईयों के आंसुओं को पहुंचने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप अपने दान राशियों को चेक, ड्राफ्ट और मनी ऑर्डर के द्वारा यीशु बुलाता है के नाम पर
इस पते पर भेजें। हमारा पता है प्रार्थना भवन 16 डॉक्टर डीजीएस दिनकरन रोड चेन्नई 60028।